नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर पाव और आज मैं आपको आंगनवाड़ी का पेंटिंग दिखाऊंगा। तो देखिए, सामने में इस तरह से पेंटिंग बना हुआ है। पेंसिल के ऊपर गुड़िया बैठी है किताब और बैग लेकर। उसके नीचे हमने बनाया है तितली, दो मशरूम, मशरूम पर एक छोटा सा घोंघा, उसके नीचे बैठा है मेंढक, बड़े आराम से बगल में है चूहा जो गुब्बारे लेकर खड़ा है। उसके बाद जो बना है ये पेंटिंग, पेड़ पर बैठी है रैबिट और उसके पीछे चिड़िया, फूल, छोटे छोटे मशरूम ऐसे सजाए हैं और इस पर मेरा नाम भी लिखा है जो रैबिट पकड़ा हुआ है। और देखिए, यहाँ पर पौष्टिक साग सब्जियाँ जैसे कि मेथी भाजी, धनिया, पालक भाजी, मूली, ये सब। चलिए अंदर की ओर चलते हैं और सामने में लिखा है आंगनवाड़ी केंद्र लमदरा, विकासखंड तमनार, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़। और बगल में देखते हैं बगल में क्या है, तो यहाँ पर है गुड्डी गुड्डा बोर्ड। चलिए अंदर की ओर चलते हैं। अंदर में ये वो कमरा है जो बच्चों को खिलाया जाता है, खाना पीना खिलाया पिलाया जाता है। और सामने में इस तरह से जानकारियाँ हैं, प्रार्थना है, रंग है, प्रार्थना गीत है, विवाह है। और इस आंगनवाड़ी के रूम को हमने हल्का फुल्का पेंटिंग से सजाया जैसे बच्चे आसानी से समझ सकें। जैसे ये फूल गुलहर, बनफूल, गेंदा, गुलाब, ये सब फूले हैं। फिर बगल में हमने बनाया है फल जो बच्चे आसानी से समझ सकें, केला, संतरा, नाशपाती, तरबूज, अंगूर, आम, सीताफल, पपीता, अनार। और उसके बाद हमने ले लिए हैं सब्जियों को जो बच्चे समझ जाते हैं कि ये वो चीज़ है, जैसे करेला, पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज, भिंडी, गाजर, खीरा, हरी मिर्च, लौकी, आलू और ये टमाटर। खास करके ये टमाटर इस कमरे में अच्छी बनी थी, यानी अच्छा पेंटिंग सबसे अच्छा दिख रहा था। और ये सामने की ओर है कुछ जानकारियाँ गर्भवती माताओं के लिए। फिर वही है, फूल है, पोपी फूल है, नलिनी है, घंटी का फूल है और ये पीला वाला है पीला नर्सिंग मॉर्निंग गैलरी। ये सब फूल का नाम है जो हमने इस पर दर्शाया हुआ है। और ये गाइडलाइन नवजात शिशु के लिए, जन्म से 6 माह तक सिर्फ स्तनपान कराएं। और इस पेंटिंग को बनाने में मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि पता नहीं जैसा था उससे भी अच्छा बना। हम सभी ने ऐसा विचार किया कि बहुत अच्छा बना है। खैर, आपको कैसा लगा ये आप कमेंट पर कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को लाइक करने के लिए और अंत तक देखने के लिए आपको प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।